तो केवल दिखाने के हैं। भीड़ अच्छी आई? भीड़ तो अच्छी आती है, सब कमल खिलाने की तैयारी में है। केशव जी, आप सड़क विभाग के मंत्री हैं, आपके राज्य में बड़ा अभियान चलता है सड़कें गड्ढा मुक्त हो, सड़कें। विपक्ष कहता है साहब सड़क है ही नहीं, गड्ढे गड्ढा है। देखिए, विपक्ष के पास सड़क मुद्दा ही नहीं है, बिजली मुद्दा ही नहीं है, कानून व्यवस्था मुद्दा ही नहीं है, मुद्दा विहीन विपक्ष है। झूठ की इमारत खड़ा करने से जनता कहती होगी इनके समय सड़क नहीं थी, इस समय सड़कें ही सड़कें हैं, इनके समय बिजली नहीं थी, भाजपा के समय बिजली ही बिजली है, इनके समय कानून व्यवस्था नहीं थी, भाजपा के समय चुस्त दुरुस्त कानून व्यवस्था है। इसलिए मुद्दा विहीन विपक्ष को मैं बेचारा ही आज की डेट में कहता हूँ। आपने विपक्ष के भी विधायकों का लोग कहते हैं आप उदार आदमी। हम उदारता का मतलब ये नहीं, विधायक को जनता चुनती है, वहाँ जो लड़ने वाले प्रत्याशी थे भाजपा के भी थे, हमें भी वोट दिया है, उनको भी वोट दिया है, जिनको ज्यादा वोट मिला। इसमें आपने भेदभाव नहीं, कभी ना भेदभाव किए ना कभी करेंगे। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का कहना है चुनाव तक हम एक दूसरे के विरोधी हैं, चुनाव परिणाम आने के बाद अगर हमारी सरकार बन गई है तो हम उनकी भी सेवा करेंगे, उनके लिए भी काम करेंगे जिन्होंने भाजपा को वोट दिया है, और उनके लिए भी काम करेंगे जिन्होंने भाजपा को वोट नहीं दिया। तो चलिए, हम एक और सभा में आ गए हैं। हमारा हेलीकॉप्टर इस समय बिजनौर में है और सभा स्थल के ऊपर ये चक्कर लगा रहा है। आप नीचे देख सकते हैं कि हेलीकॉप्टर के उतरने का संकेत ऑन हो चुका है, और यहाँ पर केशव जी अपनी तीसरी आज की जनसभा को संबोधित करेंगे बिजनौर में। आज यहाँ पर शाम को 5 बजे जो चुनाव प्रचार है वो समाप्त हो रहा है, उससे पहले सभा खत्म करनी होगी उनको, और उत्तर प्रदेश में भाजपा का माहौल बनाने में वो लगातार लगे हुए हैं। तो चलिए, आइए चलते हैं तीसरी सभा। चुनाव यात्रा के एक और चरण में हम इस समय नूरपुर बिजनौर जिले में हैं, और ये जो मंच पर संबोधित कर रहे हैं ये प्रत्याशी हैं सीपी सिंह, चंद्र प्रकाश सिंह। इनके भाई से पहले बीजेपी से इसी सीट से विधायक थे लोकेंद्र सिंह, जिनकी एक सड़क दुर्घटना में निधन हो गया, उसके बाद बीजेपी ने आज उनको यहां से प्रत्याशी बनाया है। केशव प्रसाद मौर्य का बिजनौर में भव्य स्वागत चल रहा है, आप देख सकते हैं, और जिस तरह से हर सभा में ये नारा लगता है भारत माता की जय, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, और बीजेपी का जो सबसे बड़ा कार्ड है हिंदुत्व का कार्ड, जिसको बीजेपी मुस्लिम बहुल इलाकों में सबसे ज्यादा इस्तेमाल करती है, वो यहाँ पर आप मंच पर ये देख सकते हैं कि अशोक कटारिया जो उत्तर प्रदेश के परिवहन मंत्री हैं वो भी मौजूद हैं यहाँ बिजनौर में। और आज इस सभा के माध्यम से, चूंकि थोड़ी देर में अभी यहाँ पर चुनाव प्रचार समाप्त हो जाएगा, 5 बजे से पहले ये सभा खत्म करके अभी केशव मौर्य को मुरादाबाद भी पहुंचना है, तो वो कोशिश ये करेंगे कि सीट को फिर से जीता जाए, इसके लिए मतदाताओं को प्रभावित कैसे किया जाए, सरकार की जो उपलब्धियां हैं और जो समाजवादी पार्टी के खिलाफ उनका तमाम सारे उनके बयान है, गुंडों से लेकर माफियाओं से लेकर नौकरी से लेकर माता बहनों की सुरक्षा को खतरा पहुंचाने का काम किया गया। क्या हम ऐसे लोगों का साथ दे सकते हैं क्या? मैं आप सबसे अपील करने के लिए आया हूं, पहले चरण में ही साइकिल पंचर हो चुकी है, पहले चरण में 58 सीटों के चुनाव हुए हैं और 50 से ज्यादा सीटों में कमल का फूल खिल गया है। मैं बिजनौर जनपद की इस नूरपुर विधानसभा में पहले भी आ चुका हूं, लेकिन यह पवित्र भूमि है और इस पवित्र भूमि में 2017 के विधानसभा चुनाव में आपने मुझे 8 विधानसभा सीटों में से 6 विधानसभा सीटों पर आशीर्वाद देने का काम किया था, 6 विधायक जिताने का काम किया। आज हम अपनी चुनाव यात्रा के अंतिम पड़ाव में आ चुके हैं, 3 रैलियों के बाद केशव जी से अब हम अलग होंगे, ये दूसरे कार्यक्रम में यहाँ से निकलेंगे। केशव जी, आप खुद भी चुनाव लड़ रहे हो, नामांकन कराए हो, कितना समय दे पा रहे हो, कड़ा कठिन चुनाव है? देखिए, मैं चुनाव नहीं लड़ रहा हूँ, सिराथू का एक एक कार्यकर्ता, एक एक जनता चुनाव लड़ रही है, और मैं चुनाव नहीं जीत रहा हूँ बल्कि सिराथू का एक एक भाजपा का कार्यकर्ता, सिराथू की एक एक जनता चुनाव जीत रही है। इसलिए सिराथू का चुनाव तो सिराथू के जो बड़े बुजुर्ग हैं उनका आशीर्वाद है मेरे लिए, युवाओं का प्यार है मेरे लिए, और मैं सिराथू का नेता नहीं, मैं तो सिराथू का बेटा हूँ। एक आपके सामने एक मजबूत कैंडिडेट समाजवादी पार्टी ने दिया है, अगर आप ये मानते हो
कि ये चुनाव बहुत आसान है आपके लिए, लेकिन समाजवादी पार्टी ने इस चुनाव को काफी कठिन बनाने की कोशिश की है, आपको क्या दिखता है कि आपको? समाजवादी पार्टी की जो साइकिल है वो कमल की आंधी में उड़ गई है, वो कहीं पता नहीं चल रहा है। तो इसलिए समाजवादी पार्टी की साइकिल तो पंचर वैसे भी 2014, 17, 19 में हो चुकी है, तो 2022 में तो इतनी तेज आंधी है भाजपा की, कमल के फूल की, कि साइकिल उड़ करके सैफ ही पहुंच गई। अच्छा, एक सवाल और है, जनता का सवाल है, चर्चा होती है आपकी पार्टी में गुटबाजी है? भारतीय जनता पार्टी में कोई गुटबाजी नहीं है, विरोधियों को लगता है गुटबाजी है, हमारे आप सब मीडिया के मित्रों को लगता है गुटबाजी है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी एकदम अभेद किला की तरह है, इसमें न गुटबाजी थी, न गुटबाजी है, न कभी गुटबाजी हो सकती है। एक सवाल बड़ा चर्चा बना था, 5 KD और 7 KD के बीच में 500 मीटर की दूरी है, मुश्किल से आने में 5 साल लग गए। आपका एक बयान आया था कि हमारे बीच कोई दीवार नहीं, जो दीवार आएगी वो गिरा दी जाएगी, तो क्या कुछ ईंटें अभी बची हैं? दीवार गिर गई निश्चित तौर से। आप ये मान लीजिए कि ये 5 KD और 7 KD का जो विषय है वो चलाने वाले जो है बहुत हताश और निराश हो गए, क्योंकि वो चाहते थे कि 5 साल में भाजपा के अंदर कोई झगड़ा हो जाए, लेकिन केशव जी की और योगी जी की ऐसी दोस्ती है, इतना अपनत्व है, इतना प्यार है, इतना एक साथ काम करने का अवसर है कि इनकी कोई कोशिश सफल नहीं हो पाई और भारतीय जनता पार्टी ने शानदार कार्यकाल बिताया और उत्तर प्रदेश की जनता के लिए शानदार काम किया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद आज पूरे दिन हमारे साथ समय देने के लिए, भारत समाचार के लिए। आप ऐसे ही मेहनत करते रहें, स्वस्थ रहें, हम सबकी कामना है। आपको शुभकामनाएं आपके अपने चुनाव के लिए भी। नमस्कार। तो ये थे केशव मौर्य जी, जिनके साथ आज आपने देखा कि पूरे दिन वो चुनाव प्रचार में कैसे रहते हैं, मेहनत करते हैं, खाना खाते हैं, कहाँ जाते हैं। अब वो अपने अगले पड़ाव के लिए जा रहे हैं, वो कल इलाहाबाद में सिराथू में अपने निर्वाचन क्षेत्र में प्रचार करेंगे। हम आज इस कार्यक्रम को यहीं समाप्त करते हैं, आप सब दर्शकों का बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। चुनाव यात्रा के अगले पड़ाव में हम आ चुके हैं एयरपोर्ट पर और डिप्टी सीएम केशव मौर्य जी हमारे साथ आ गए हैं। कहते हैं कि सबकी पूजा एक सी, अलग अलग हर भी, तो मंदिर जाए मौलवी कोयल गाएगी, केशव जी उसी विचारधारा के हैं। बहुत सारी योजनाओं की भी आपने जिक्र किया, जनता उसको लगता है आपको काफी समर्थन तौर से, जनता ही चुनाव लड़ रही है, कार्यकर्ता लड़ रहा है, हम लोग तो केवल दिखाने के। भीड़ अच्छी आई? भीड़ तो अच्छी आती है, सब कमल खिलाने की तैयारी में है।